नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम चित्रों और उनसे जुड़े शब्दों के जरिए कहानी बनाना सीखेंगे। बच्चों, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। अरे वाह! एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम राम था। उसे आम खाना बहुत पसंद था, पर जब भी वो आम खाता था तो उसके पूरे कपड़े गंदे हो जाते थे, दाग भी रह जाते थे। इस बार कपड़ों पर दाग ना रहे, इसलिए उसने जल्दी से हाथ धोए, अपने कपड़ों को बदला और पानी की बाल्टी में गंदे कपड़ों को भिगोकर धो दिया। इस बार कपड़ों पर दाग नहीं पड़े और वह बहुत खुश हो गया। अरे वाह, ये कहानी तो मजेदार थी। बच्चों, अब मैं तुम्हें इस कहानी से जुड़ा एक गृह कार्य दे रही हूँ। ठीक है मैडम। पापा, टीचर ने आज हमें एक कहानी सुनाई और उससे जुड़े कुछ चित्र भी दिए हैं। हमें इन चित्रों या उसके नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से कहानी को सही क्रम में लगाना है। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? जरूर गैफी। ये रहे 5 चित्र। इस चित्र के नीचे पानी से हाथ धो रहा है लिखा है। यह चित्र बाद में आएगा, पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वह हाथ क्यों धो रहा है। ठीक कहा आपने। मुझे लगता है सबसे पहले यह चित्र 3 होना चाहिए, जिसमें राम आम खा रहा है, और फिर ये चित्र 4, जिसमें उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। दोस्तों, अब आप बाकी बचे 3 चित्रों के क्रम बता सकते हैं। इन्हें क्रम में लगाकर कहानी अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। इस वीडियो में हमने चित्रों द्वारा कहानी का क्रम बनाना सीखा।